गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी विद द पारस ब्लिस हॉस्पिटल एट पंचकुला. टुडे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट एपिड्यूरल एनल्जीजिया और इन सिंपल टर्म्स विच इज़ कॉल्ड एज द पेनलेस डिलीवरी. अब जब आप सोचते हैं प्रेगनेंसी के बारे में या आप जब प्रेगनेंट होते हैं और प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक, वॉट इज़ द फर्स्ट थाट, क्या विचार, पहला क्या विचार आता है आपके दिमाग में? आई एम श्योर द फर्स्ट थाट दैट कम्स टू योर माइंड इज पेन. यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू योर रिलेटिव्स, यू हेयर ऑल द स्टोरीज ऑफ पेन. आपको दर्द का थाट आता है, उससे आपके बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है. और वो जो स्ट्रेस है, दैट नॉट ओनली इफेक्ट्स द मदर बट ऑल्सो द बेबी. The stress hormones which are produced in the body of the mother, they are transmitted via the placenta to the baby and they definitely affect the unborn baby. In my view, आपको pregnancy के दौरान क्या सोचना चाहिए? It should not be about the pain and the stress. आपको सोचना चाहिए कि you are lucky enough to be a part of the magical journey, जो miracle है, you are going to create a new life into the world. So now we'll talk about the scientific facts about the painless delivery. इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ. जो pain perception है, it is not same for two individuals. दो ladies हैं, उनका दोनों का pain perception एक जैसा नहीं होगा. अगर आप stories सुन के दूसरों की डर रहे हैं, तो आप अगर अच्छे से पूछेंगे, कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे कि दे डिडंट फील पेन एंड इट वाज अ टोटली नॉर्मल फिनोमेना फॉर देम एंड इट वाज टॉलरेबल. तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका प्री प्रेगनेंसी फिटनेस लेवल कैसा है, आपके बॉडी में कितना मसल मास है और आपका अपना पेन परसेप्शन कितना है. सो आपको दूसरों की स्टोरी सुन के या उससे डरना नहीं चाहिए. यू शुड बी द फर्स्ट जज फॉर योर ओन प्रेगनेंसी. तो व्हेन यू कंप्लीट योर 9 मंथ्स, लेबर पेन स्टार्ट होते हैं. लेबर पेन स्टार्ट विद स्लो लिटिल इंटेंसिटी एंड दे इंक्रीज इन इंटेंसिटी ओवर द टाइम. द सर्विक्स और द माउथ ऑफ द यूट्रस इज क्लोज्ड एंड स्लोली विद द पेन इट ओपन्स अप टू 10 सेंटीमीटर्स. तो दिस इज द टाइम विच इज पेनफुल एंड वी नीड अ लॉट ऑफ पेन रिलीफ इन दिस टाइम. इसमें भी जब 3 सेंटीमीटर डायलेटेड होते हो आप और 10 सेंटीमीटर तक, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव फेज. यहीं पर हमें असेसमेंट करनी होती है कि आपको एपिड्यूरल देना है कि नहीं देना. सो वेन यू आर 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, वी यूजली आस्क द पेशेंट, हम पेशेंट से ही पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, इज इट टॉलरेबल और इज इट नॉट. वहीं पे हम डिसीजन लेते हैं कि आप एपिड्यूरल के लिए आप कैंडिडेट हो कि नहीं हो. इफ़ यू से कि नो आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट द पेन, तब हम आपको डिसाइड करते हैं टू गिव द एपिड्यूरल एनल्जीसिया. अब देते कैसे हैं इसको? यूजली हम पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले ही कर लेते हैं. वी चेक फॉर योर फिटनेस फॉर द एनल्जीसिया. हम आपको एक IV लाइन लगाते हैं और सब मॉनिटरिंग इन प्लेस होती है. वी कंटिन्यूसली मॉनिटर द मदर एंड द बेबी, बोथ ऑफ देम. फिर यूजली डॉक्टर या तो आपको सिटिंग पोजिशन में या लेटे हुए लाइन डाउन पोजिशन में देंगे. दे क्लीन योर बैक, आपका बैक क्लीन करेंगे दवाई से. एक छोटी सी नीडल जो कि आपको एक स्मॉल प्रिक की तरह लगेगी, वो आपकी बैकबोन में इंसर्ट करेंगे और एपिड्यूरल स्पेस के अंदर एक प्लास्टिक का कैथेटर डालेंगे. दिस इज द प्रोसीजर. उस कैथेटर के थ्रू दे विल इंसर्ट ड्रग्स कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेटिक्स, जो कि आपकी नर्व्स को ब्लॉक करेंगे. दिस प्रोसीजर टेक्स अराउंड 20 to 30 मिनट्स और इसका इफेक्ट आने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं. और इसका इफेक्ट, द इफेक्ट लास्ट फॉर 2 to 4 to 6 आवर्स अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन. ये भी पेशेंट कंट्रोल है, द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स. आप बताओगे हमें कि आपको टॉपअप कब चाहिए. कुछ पेशेंट्स 2 घंटे में ही टॉपअप मांग लेते हैं, कुछ 6 घंटे बाद मांगते हैं. अब जो हमारा पेन पाथवे है, हमारे लोअर लिम्स, एब्डोमेन और यूट्रस से जो पेन के सेंसेशंस हैं, दे ट्रैवल
in the backbone through the spine to the brain, and brain is the organ which perceives the pain. तो हम इनको वी ब्लॉक दिस पेन पाथवेज एट द लेवल ऑफ योर स्पाइन. लोअर बैक में स्पाइन है, वहाँ पे हम नर्व्स को ब्लॉक करते हैं जो कि पेन ब्लॉक करते हैं, बट दे डू नॉट ब्लॉक योर प्रेशर सेंसेशन एंड योर मोटर सेंसेशन. मतलब कि आपको प्रेशर फील होगा एंड यू विल बी एबल टू पुश. व्हेन वी टेल यू हाउ टू पुश द बेबी, आपको पुशिंग वाली सेंसेशन आएगी. बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपको एक टर्शरी केयर सेंटर में लेना चाहिए एपिडुरल एनाल्जेसिया, बिकॉज समटाइम्स कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर. वी नीड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द मदर एंड द बेबी. तो ऐसा सेंटर जहां मॉनिटरिंग की सुविधा हो, एडिक्वेट स्टाफ हो और डॉक्टर की और सिजेरियन की फैसिलिटी 24/7 दिन रात में अवेलेबल हो, ऐसे सेंटर में ही आपको एपिडुरल एनाल्जेसिया लेना चाहिए. एक बार आपको एपिडुरल एनाल्जेसिया मिल गया, फिर आपको हम ओरली विल अलाउ यू लिक्विड्स, वी कैन अलाउ यू अ लिटिल बिट मूविंग अराउंड एंड योर लेबर विल प्रोग्रेस नॉर्मली विद विदाउट द पेन्स. और बेबी को कोई इसमें हार्म नहीं होता. कई लोग सोचते हैं कि बेबी को बहुत हार्म होता है, बट इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू योर बेबी. वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ एपिडुरल एनाल्जेसिया? See, if at any point of time you need cesarean for the delivery of the baby, हम उसी catheter के through आपके analgesia को anesthesia में convert करके और cesarean कर सकते हैं बिना आपको कोई दूसरी prick दिए या कोई और सुई आपके back में लगा के. So this is a one-time procedure. आपको analgesia भी मिल जाता है और if needed it can be converted into anesthesia. जो ladies का हाई बीपी है या हार्ट डिजीज़ है उनमें ये बहुत यूज़फुल होता है. मदर को किसी पेन की एप्रीहेंशन नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती, तो मदर इज़ मोर कंफर्टेबल, शी इज़ मोर कोऑपरेटिव विद अस, और सिजेरियन के चांस एपिड्यूरल लेने से घट जाते हैं. दे आर लेस, द चांसेस ऑफ सिजेरियन विद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आर लेस बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट ऑफ द मदर. कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. समटाइम्स यू कैन हैव हेडेक और लिटिल बैक एक आफ्टर द प्रोसीजर, बट ये कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं. कभी कभी आपका लेबर धीरे प्रोग्रेस करता है और आप सेकेंड स्टेज में पुश नहीं कर पाते क्योंकि आपको सेंसेशन नहीं आती. ऐसे केसेस में भी कोई डरने वाली बात नहीं है. वी गिव अ लिटिल असिस्टेंस टू द बेबी, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन हम करते हैं एंड वी असिस्ट द बेबी इन टू द वर्ल्ड. कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको कोई लोअर बैक प्रॉब्लम है या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनमें हम एपिडुरल एनाल्जेसिया नहीं दे सकते. तो आज की टॉक का मैं आपको टेक होम मैसेज या कंक्लूजन यही देना चाहूँगी. हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत लेडीज़ आती हैं जो अपना मदरहुड पोस्टपोन करती हैं या सेकेंड चाइल्ड पोस्टपोन करती हैं इन स्पाइट ऑफ फैमिली प्रेशर बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पेन. कुछ मदर्स आती हैं कि भी मुझे पेन बिल्कुल नहीं चाहिए एंड आई वॉन्ट एन इलेक्टिव सिजेरियन. सो आई विल टेल यू दैट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज अ प्रोसीजर इन विच यू कैन एम्ब्रेस मदरहुड माइनस द लेबर पेन्स एंड ऑप्ट फॉर अ नेचुरल बर्थ. थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. थैंक यू.